अभी हम बंगाल टाइगर मलका और ये आज बोनी को 2 दिन से लेने करा रही थी मलका, और मैंने आज मलका और बोनी को दोनों इकट्ठा करने का इरादा किया है कि इसको लेने करा रही है, तो हो न सके इसके साथ जो है ना कि छोड़ा जाए बोनी। चलो भाई बोनी का दरवाज़ा चुक। बोनी देखना, बोनी की स्पीड चेक करना। बोनी निकलने लगा बाहर मलका के पीछे। ये बोनी जा रहा है। चुक दे चुक दे चुक दे, मलका अंदर आएगी, बोनी भी अंदर जाएगा। पाजो बोनी फाड़ो, ये ओ फाड़े 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 फाड़े, नस गिन नस 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 जा रही हो। अंदर 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 चल भी बंद कर दे। ये है जी मलका और बोनी को इकट्ठा कर दिया, और ये देखिए आप कह रहे हैं ये मलका जंगली है। मलका जंगली कहाँ से लगती है? ये सेमी टेम किए हुए हैं, स्टिक जंगली जो होती हैं वो स्टिक ट्रेन किए जाते हैं, और उनको स्टिक पे अपने मतलब स्टिक का मतलब ये है कि आप उसको जब इशारों पे जहाँ किस चीज़ पे आप बात करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और गुस्सा तो गुस्सा ही है। बनी देखने मलका है और ये बोनी है। हाँ बोनी, हाँ हाँ आओ मलका के पास आओ। हाँ ये मलका है और बोनी वो बैठ गया है। ये हमने जो है ना मलका बोनी के साथ छोड़ दी है, आज बोनी ट्रेन करे। बोनी भी भोंडी करनी चाहिए, ये भोंडी तो नाल बंदा एक्टिव रहता है, इस वास्ते ना कभी कोई मादी करती कभी कोई करती, इस तरह फिर बंदे का दिल पछोरी रहता है, तो दिल पछोरी के नाल फिर जानवर एक्टिव ही रहता, एक्टिव हों फिर मज़ा आता, मज़ा आता तो फिर बच्चे पैदा होते हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं फिर वो अगों नस्ल बधाते हैं, नस्ल बाई नस्ल इस तरह ही वही मज़े दाल ही। हम इस वक्त जैसे लाया भी 4 छापर लाया, 1 2 3 4 हाँ 4 लगने ने, अभी छापर लगाने लगे इनको, बंद करेंगे।